स्टोरी ऑफ बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम सच्चे अर्थ की कहानी। वह एक महान निवेशक थे जिन्होंने वैल्यू निवेश का सिद्धांत विकसित किया। बेंजामिन ग्राहम का जन्म 8 मई 1894 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनका परिवार बाद में संयुक्त राज्यों में आकर्षित हो गया और वह न्यूयॉर्क सिटी में बस गया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया और अपने छात्रों को वित्तीय बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाया। उन्होंने बहुत सालों तक पढ़ाया और भविष्य के निवेशकों को प्रभावित किया, जैसे कि वॉरेन बफेट। अपनी पुस्तक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ग्राहम ने निवेशकों को अर्थव्यवस्था की समझ दी। बेंजामिन ग्राहम को अक्सर मूल्य निवेश के पिता कहा जाता है। उन्होंने एक दृढ़ और सतर्क निवेश दृष्टिकोण विकसित किया था जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड की आंतरिक मूल्य का विश्लेषण करने का महत्व हाथ में लिया जाता है। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसके सहलेखक डेविड डॉड थे और जिसे पहली बार 1934 में प्रकाशित किया गया था, मूल्य निवेश के सिद्धांतों की नींव रखा। अपने समय में ग्राहम ने वित्तीय जगत में क्रांति की। उनकी रणनीतियां आज भी बहुत मान्यता प्राप्त है। सी बेंजामिन ग्राहम 21 सितंबर 1976 को फ्रांस के एक्सन प्रोवेंस में निधन हो गए, जो निवेशकों के स्टॉक मार्केट को नजदीक से देखने के तरीके को आकार देने वाला एक ऐसा विरासत छोड़ गए हैं जिसका असर आज भी हो रहा है। उनके काम ने कई प्रमुख निवेशकों के सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि वॉरेन बफेट, जिन्होंने ग्राहम को अपने गुरु माना।